कभी कभी घरों में इस तरह के पड़ोसियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है, आदमी फंसा हुआ होता है, फंसा हुआ होता है, लेकिन शो नहीं कर रहा होता, बीवी पड़ोसी खुद फंसा हुआ होता है। हाँ, वो कहता मैं क्यों फंसा हुआ। हाँ, लड़ने की आवाजें आ रही होती है, सुबह बंदा बता रहा होता है यार आप घर में भाभी को ये कह रहे थे। हाँ, बहुत से पड़ोसी होते हैं उनको ना आदत होती है कि उनको रहते अपने घर में फिकर बराबर वाले घर की। हाँ, ये तो है, हर आदमी को अपनी दुनिया और दूसरों की आखिरत की फिक्र। हाँ, है। अब बीवी शोर कर रहे हैं, देखो बीवी कह रही देखो तो खिड़की में पर्दे डाल लो, वो सामने वाला मुझे देखता है, करे एक बार देखने तो फिर देखेगा ही नहीं, पर्दे डालने की जरूरत ही नहीं। ब्रॉड माइंडेड और पड़ोसियों का ख्याल इस तरह भी करना चाहिए। हाँ, जैसे आपने भी बताया भाई, मुझे तो मेरे मुझे तो मेरे ओके टेल मी कि ना अक्सर जो आपकी पड़ोस की लड़कियों से प्यार, आपको बचपन में किसी पड़ोस की लड़की से प्यार हुआ है? लो, एक से सामने वाली खिड़की में बहुत 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 जब स्कूल जाते थे मेरे भी दो बच्चे माशाल्लाह सामने खिड़की में से जो है ना कोई लड़की झांकती थी। Okay. तो मेरा कदम उससे कहता देख तेरे भाई को रोजाना एक लड़की देखती है, 12:15 बजे हम लोग स्कूल, दोपहर का स्कूल था हमारा, तो मैंने कहा अच्छा, बाद में पता चला वो मुझे देखती थी। बताओ तेरे भाई को, अच्छा ये आदत होते बोलने में था, तेरे भाई ने ये, तेरे भाई ने, मेरे दोस्त की आदत थी वो भी यही हर एक को ना, अरे तेरा भाई बैठा हमारा क्या थे? उसकी शादी भी, शादी की पहली रात अपनी का बीवी का घूंघट उठा के बीवी से पूछ रहा और कैसा लग रहा है तेरा भाई, कुछ अब भाई बीवी है भूल जा, सॉरी वो थोड़ा सा हल्का हाथ हल्का हाथ किस पे, शो पे ना, पड़ोसियों पे।